समय कम है, आपका जीवन क्या है? ठंडे के सुबह में गिरी ओस की तरह कुछ देर रहकर दुनिया से गायब हो जाने वाली ओस की तरह है आपका जीवन। अगर अभी मैं आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। जवानों के बारे में मुझे समझ नहीं आता कि वह विश्वास क्यों नहीं करते कि जीवन बहुत छोटी है, चनबंगूर है, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। लगेगा ये कल की बात है कि मैं स्कूल में था। मुझे और आपको इस समय, हम सबको एक ही समय सीमा मिली हुई है, 1440 मिनट एक दिन में, 168 घंटे एक हफ्ते में। परमेश्वर ने हमें 70 साल जीने के लिए दिए हैं और उत्साहजनक बात यहाँ पर यह है कि हमारी मेडिकल साइंस भी 70 साल ही जीने की अनुमति देती है और हम मानव उस मैजिक संख्या को कभी पार नहीं कर पाते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 70 साल पुरुष जीते हैं और महिलाएं 73 साल, पुरुषों से कुछ साल ज़्यादा। कुछ एक लोग 70 से ऊपर जी लेते हैं मगर ज़्यादातर लोग 70 के आसपास ही जीते हैं। जैसे कि हमें बाइबल में बताया गया है, यह क्या ही बात है जब आप जानते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है और जल्दी समाप्त होने वाली है, तो आप क्या करोगे? जीवन जीने के लिए बहुत छोटी, बहुत थोड़े समय। मेरी बात करूँ तो मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना है उसका डायरी में नोट कर लूँगा, लिखूँगा, सूची बना लूँगा किन किन चीज़ों को करना है अपनी ज़िंदगी में, पहले, उसके बाद दूसरी, और रोज़ाना करनी है। और जो मैं लिखा हूँ उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूँगा। अब यहाँ पर बात यह है कि अब स्वीकार करना है कि हम दुनिया में एक क्लासरूम में हैं जहाँ हम सीखते हैं अपने मकसद को पाने के लिए। हमारी एक मंजिल होनी चाहिए, हमारी एक मंजिल है, वहाँ पहुँचने के लिए हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को हम यहाँ सीखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कोई किताब पढ़ना तो उसे अभी कर लें, कल कर सो आज कर, ये कहावत आप जानती होंगे, बस यही रूल फॉलो करना। परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो अभी बिता लें, और अगर आप परिवार से दूर हैं तो तुरंत कॉल मिलाइए अपने परिवार वालों को और उनसे बात करें, उनको बताएं कि आप उनके बगैर कैसा महसूस करते हैं, आप उन्हें कितना मिस करते हैं और कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं कि साथ में रहें, मगर ये हो नहीं पाता। अपने परिवार को बताएं कि आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, और अगर आप पैसा देना चाहते हैं अपनी फैमिली वालों को तो वो भी दे दें अभी। ये सारी बातें होगी दैनिक जीवन की। अब बात करते हैं आत्मिक जीवन की। अगर आप यीशु मसीह के बारे सुने जानते हैं और उनके द्वारा से आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, अगर हाँ तो आप शायद गवाही देना चाहते होंगे। आपने सोचा होगा, आपने सोच रखा होगा और प्लान कर रहे होंगे कि गवाही देना है। मैं कहता हूँ गवाही अभी दीजिए। घड़ी की टिक टिक करते हुए सुई, घड़ी की टिक टिक करने वाली आवाज़ दिन में सूरज और रात में चांद आपको बता रही है कि समय निकला जा रहा है। समय के निकलने के साथ ही हमारे जीवन समाप्त होने वाली है, इसलिए मैं कहता हूँ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चाहे दैनिक जीवन के लिए चाहे आत्मिक जीवन के लिए, उसे आप पूर्ण कर लें, सूची बना कर करें, ताकि जब भी आप घड़ी को देखें, जब भी आप सुबह उठें, जब सूरज को देखें और जब शाम को चांद दिखाई दे, तारे दिखाई दे, याद आते रहें कि आपने क्या क्या सूची बनाई है और अपने जीवन में क्या क्या करना है, क्योंकि हो सके कि शायद आपके लिए कल ना हो और मेरे लिए भी, क्योंकि बाइबल में हमें चेतावनी दी गई है समय के बारे में। समय हम सब के लिए एक ही है और समय समाप्त होने वाला है। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी दो चुनौतियों के बीच में अटके ना रहो, तुरंत फैसला करो, जो तुरंत फैसला करता है वही आगे बढ़ता है। बेवकूफ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी लंबी है, रोज़ सुबह हमारे पास होती है 86,400 सेकेंड, क्या ये सच है? अगर दिन भर में आप अपने काम नहीं कर पाए तो नुकसान आपका होगा,
किसी दूसरे का नहीं। बाइबल हमें बताती है कि आपके लिए जो वरदान रखा हुआ है उसे आप प्राप्त कर लें, उस लायक बने कि वरदान आपको मिले। बाइबल बताती है कि यह समय जो आपके लिए है उसे आप पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आपके समय के दुनिया भर में हो रहे घटनाओं को देख के समझ सकते हैं कि जिंदगी कितनी भयानक समय से गुजर रही है। इस वक्त परमेश्वर के वचन को प्रकट करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जानते होंगे बाइबल में लिखी हुई मत्ती 28:19-20 में कि यीशु मसीह के जो वचन हैं, जो उनका जीवन है, हर एक लोगों तक पहुंचाना है जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें बताना है परमेश्वर के बारे में। यीशु मसीह ही है जो उनके दिमाग को, दिल को बदल सकता है। वह समय अभी है। यीशु मसीह कहते हैं कि दिन में जितना हो सके उतना आप करें जो उन्होंने हमें कार्य सौंपा है। और हाँ, वह काली रात भी जल्दी आने वाली है। उसके बाद से न आप और न मैं कुछ भी काम कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई भी काम नहीं कर पाएगा। वह रात आपके जीवन में और मेरे जीवन में जल्द आने वाली है। यह जरूर है कि शांति अभी भी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकें। बाइबल बताती है कि जीवन लंबी नहीं परंतु उसमें गुणकारी होनी चाहिए। कुछ बड़ा करो, लोगों के लिए कुछ करो, तब जब लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे तब आप धन्य कहलाओगे यीशु की नज़रों में। यीशु ने कहा है जो इस दुनिया में छोटा है वह स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा, और जिस दुनिया में बड़ा है वह स्वर्ग में छोटा किया जाएगा। हम धन्यवादी हैं कि यीशु मसीह की रोशनी हमें पहले मिली है। उसके साथ ही हमारे पास ये मौका भी है कि यीशु की बातों को लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें यीशु के बारे में बताएं। अब जानते हैं यीशु मसीह केवल 33 साल जिए थे और क्रोस पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, जो कि दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह उस समय के लिए फेल हो गए थे। मगर उनका जीवन जब समाप्त हुआ तो उन्होंने क्रोस पर से कहा कि मैंने काम पूरा किया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर पिता ने जो काम उन्हें सौंपा था उसने वह काम पूरा किया और वो मर कर भी अमर हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी से 1 साल और 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल भी जी लिए। फर्क इससे पड़ेगा कि आपने अपने जीवन में आपको जो कुछ काम सौंपा गया था उस काम को आपने पूरा किया या नहीं। आपने जो कुछ भी काम अपने जीवन में करने के लिए सोचा था वह काम आपने पूरा किया कि नहीं। क्या आपने अपना जीवन गुणकारी बिताया है? क्या आपके द्वारा से किसी की भलाई हुई है? क्या आपने अपना जीवन समर्पण के साथ बिताया है? सपोज करो कि चर्च के जितने भी मेंबर हैं वह समय समय प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहते हैं, दशमांश दे करके। आप अपने दिल को परमेश्वर के शब्दों से भर दें। मैंने ऐसे लोगों को पाया है जो प्रभु यीशु मसीह की बाइबल में लिखी हुई बातों याद रखे हुए हैं और उनके पास शक्तियाँ भी हैं। क्या आपके पास है? पर हमें आदमी और औरत दोनों ही चाहिए जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ चलने में हमारी और आपकी अगुवाई करें और खुद भी परमेश्वर के साथ चलें। आप भी संकल्प लें कि जो खुदा ने काम सौंपा है उसे आप पूरा करोगे, और तब यह हमें समझने में मदद और अगुवाई करेगा कि जीवन कितनी छोटी और कितनी ज़रूरत से भरी हुई है, जो कि हम अपने छोटे से जीवन को अच्छी जगह पर लगा सकेंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे और हम छोटी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे और हम परमेश्वर के राज्य के भागीदारी भी हो सकेंगे। परमेश्वर सदा आपके साथ हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर करने से उनके जीवन में कोई फर्क आ सकता है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाइबल की बातों को हम मिलकर सीख सकें इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।